गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे क्रिएटिव पावर पॉइंट स्लाइड बनाना। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमको ओपन करना है एमएस पावर पॉइंट, ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेनी है। यहाँ पे ये जो बॉक्स हैं इन्हें रिमूव कर देना है। इंसर्ट ऑप्शन पे जाकर हमको पिक्चर इंसर्ट करनी है, जो भी आपके सिस्टम पर सेव है। नहीं है तो आप डाउनलोड करके भी ले सकते हैं। यहाँ से एक पिक्चर सेलेक्ट की और इसे इंसर्ट कर लिया। इस पिक्चर को हम पूरी स्लाइड पे इस तरह से स्प्रेड आउट कर लेंगे, पूरा फैला लेंगे। अब हम इसके बाद वापस इंसर्ट मेनू पे जाएंगे। इंसर्ट मेनू पे जाकर यहाँ पे शेप टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे और इस रेक्टेंगल को भी इस पिक्चर के ऊपर पूरा फैला देना है, स्प्रेड कर देना है। इसके बाद यहाँ शेप फिल ऑप्शन में से क्लिक करके और इस रेक्टेंगल को वाइट पे क्लिक करना है। अभी हमारा जो स्क्रीन जो दिख रही है, जिस पे स्लाइड, ये वाइट दिख रही है। अब यहाँ पे हमें इंसर्ट करना है। इंसर्ट टैब पर जाकर वर्ड आर्ट और इसमें से हम अपने टेक्स्ट का फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे इस ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट किया है, फिल वाला, और इस पे हम लिखेंगे अपना नाम या फिर जो भी हम लिखना चाहते हैं। मैं अपना नाम लिखूंगी और इसको सेलेक्ट करके होम टैब पे जाके और फॉन्ट साइज को बड़ा कर लेंगे। ये हमारा फॉन्ट साइज पूरी स्क्रीन पे आ चुका है। अब इसके बाद हम इस फॉन्ट पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल की को दबा कर रखेंगे और इस रेक्टेंगल को भी क्लिक करेंगे। अब देखिए हमारे दोनों जो शेप्स हैं वो सेलेक्ट हो चुके हैं। इसके बाद हम फॉर्मेट मेनू पे जाएंगे और यहाँ मर्ज शेप्स में क्लिक करके और इसे कंबाइन कर देंगे। कंबाइन करते ही ये देखिए हमारा जो नाम है वो कितना कलरफुल आने लगा, यानी इसमें बैकग्राउंड में जो पिक्चर है वो इसमें शो होने लगी है। अब हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे अपनी स्लाइड पे राइट क्लिक करना है, यहाँ से इसको डुप्लीकेट इमेज क्रिएट करनी है और इस स्लाइड पे आना है। ये जो ऊपर वाली इमेज है इसको थोड़ा सा स्लाइटली छोटा करेंगे, जिससे कि हमारी पीछे वाली पिक्चर दिखने लगेगी। उस पिक्चर पे क्लिक करेंगे और ये रिसाइज मेनू पे क्लिक करके और इसको स्मॉल कर देंगे, जिससे कि ये स्क्रीन पे आसानी से दिखे नहीं। अब हमको कुछ नहीं करना, ट्रांजिशन में जाना है और यहाँ से ये मॉर्फ ऑप्शन सेलेक्ट करना है और मॉर्फ ऑप्शन सेलेक्ट करते ही हमारा जो पिक्चर है कुछ इस तरह से दिखने लगेगी। अब हम इसे करेंगे स्लाइड शो। समझ में आया? यदि आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।